Welcome to second standard English grammar class. Today I come with lesson number 33. Lesson name is the connecting word. Today I am going to take revision of this lesson. Means once again I am going to explain this topic. Okay, read the following examples. Potatoes and carrots are underground vegetable. Potato and carrots, these are the vegetables. So we will connect them, or we will join potatoes and potato carrot by and. Sally went to the market and she bought some fruits. Sally market gayi aur fruits lekar aayi. तो मार्केट गई फ्रूट्स लेकर आई, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? मींस सैली वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट सम फ्रूट्स. वो मार्केट भी गई और फ्रूट्स भी लेकर आई. मींस शी डिड बोथ वर्क टुगेदर. नीलेश और वीरेन विल जॉइन आवर फुटबॉल टीम. आउट ऑफ नीलेश और नीलेश वीरेन एनी वन कैन जॉइन द फुटबॉल टीम. सो फॉर नीलेश वीरेन वी यूज और, मीन्स ऑप्शन दिया हुआ है. नीलेश या फिर वीरेन, मतलब दोनों ही ज्वाइन नहीं करने वाले हैं. यदि दोनों ज्वाइन करते फुटबॉल टीम को तो हम क्या लिखते हैं? वी विल राइट लाइक दिस, नीलेश एंड वीरेन विल ज्वाइन आवर फुटबॉल टीम, बट हेयर ऑप्शंस आर देयर, मीन्स आउट ऑफ टू एनी वन कैन ज्वाइन. यू विल स्टे एट होम और अटेंड द पार्टी. टू ऑप्शंस आर देयर, दो ऑप्शन है, या तो आप घर पे रुको या तो पार्टी ज्वाइन करो. ओके, यदि दोनों काम हमें करना रहता कि वी यू विल स्टे एट होम एंड यू हैव टू अटेंड द पार्टी, देन वी विल यूज एंड. ओके, सो द वर्ड्स एंड और ओ आर 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 द कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज टू कनेक्ट टू और मोर वर्ड इन सेंटेंसेस. ओके, सो ए एंड डी एंड ओ आर नोन एज कनेक्टिंग और कंजक्शन वर्ड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट द होमोफोन्स. होमोफोन्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ. एक्चुअली होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग. होमोफोन्स वो वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन और साउंड एक जैसा दिखता है, एक जैसा लगता है, लेकिन बट देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड ऑल्सो देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ग्रामर वर्क बुक आई एक्सप्लेन वंस अगेन टू टॉपिक्स, मीन्स द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड द होमोफोन्स.